दादा क्यों लो? पानी फूट गया है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू जिन 210 में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार के अपकमिंग मूवी मिशन रानीगंज के बारे में। मिशन रानीगंज वासु भगवानी, जैकी भगवानी, दीपिका देशमुख और अजय कपूर ने इस फिल्म का निर्माण किया है। वहीं इसका निर्देशक टीनू सुरदेसाई ने भी किया है। हाँ तो दोस्तों बात करें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार वीरता की एक और मनोरंजक और अनकही कहानी के साथ बड़े पर्दे पर वापस आने जा रहे हैं। उनकी फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू का टीजर गुरुवार को जारी कर दिया गया था। हाल ही में इस फिल्म का नाम में बदलाव किया गया था और अब मेकर्स ने फैंस के लिए फिल्म की एक झलक भी साझा कर दी है। बता दें कि बीते दिनों में रानीगंज का प्रमोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म का टीजर काफ़ी शानदार है और जो दर्शकों को बॉक्स ऑफिस पर खींचने में सक्षम नज़र आ रही है। यह फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म रानीगंज कोल्डफील्ड में एक वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित स्वर्गीय जसवंत सिंह गिल के वीरतापूर्वक कार्य से प्रेरित है, जिन्होंने भारत के कोयला खदान बजामसन के लिए नृत्य किया था। फिल्म का टीजर एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव का वादा करता नजर आ रहा है। यह रहस्य, साहस और दुर्गम चुनौतियों पर काबू पाने के लिए दृढ़ संकल्प से भरपूर है। बता दें कि जसवंत सिंह गिल ने 1989 में रानीगंज के बाढ़ग्रस्त कोयला कारखाने के अंदर फंसे हुए सभी जीवित खनिजों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे सभी बाधाओं के बावजूद भी दुनिया का सबसे बड़ा भी सफल बचाव मिशन भी कहा जाता है। मिशन रानीगंज वासु भगवानी, जैकी भगवानी, दीपिका देशमुख और अजय कपूर ने इस फिल्म का निर्माण किया है। वहीं इसका निर्देशन टीनू सुरदेसाई ने भी किया है। यह फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। बताएं दोस्तों कि वर्क फ्रंट की बात करें तो इस फिल्म के बाद वह बड़े मियां छोटे मियां में नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा वह हेरा फेरी 3 और वेलकम टू द जंगल में भी दिखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।